हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। आज से हिमाचल जीके के लिए ब्रेन बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ब्रेन बूस्टर सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस सीरीज़ में ऑल डिस्ट्रिक्ट एमसीक्यू, डिस्ट्रिक्ट की आर्ट एंड कल्चर, रिवर्स, टेंपल्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सभी क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। खास बात यह कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। ये सीरीज़ सिर्फ आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले निवासी। दोस्तों, जब भी हम पहले निवासी की बात करते हैं, पहली प्रजाति की बात करते हैं, हिमालय में बसने वाली पहली प्रजाति, पहले निवासी कौन थे? द राइट आंसर इज़, 3 सेकेंड सभी के पास होंगे, मॉक टेस्ट के रूप में आप इसको लगाइए। द राइट आंसर इज़ कोल। दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर बसने वाले निवासी, इसको कहा जाता है मंगोलॉयड। मंगोलॉयड को दोस्तों भोट और किरात के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। और तीसरे नंबर पर कौन थी? आर्य और खस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, टीजीटी कमीशन, अलाइड मेंस, कंडक्टर एचएस, जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए, किसी भी हेल्प के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में मेरू वर्मन ने अपनी राजधानी के रूप में की थी, जल्दी से सोचना है। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रह्मपुरा, ठीक है। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में मेरू वर्मन ने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा के रूप में की थी, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी पर भारत में अपने 7वें हमले में नागरकोट पर हमला किया, इस समय कांगड़ा में कटोच वंश का शासक कौन था? दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 7वें हमले की बात की गई, नागरकोट की बात की गई, कटोच वंश का शासक की बात की गई, तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जगदीश चंद, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसने महादेवसा के रूप में अपना वंश किया? दोस्तों, जब भी हम महादेवसा की बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ क्लियर किया है, उधमपुर। दोस्तों, उधमपुर जो थे वो शैव भक्त कहलाते थे और इनकी जो शाही उपाधि होती थी वो महादेवसा होती थी, क्लियर। और इनके सिक्कों पर त्रिशूल और बैल का चित्र अंकित रहता था, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा, उधमपुरास, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। दोस्तों, पूरा लेक्चर्स अटेंड करिए, लास्ट में आपके लिए कुछ खास भी हो सकता है। क्या हो सकता है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। रतनगढ़, मस्तगढ़, जुरजोर, राजगढ़ और गणेशगढ़ जैसे किले निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? जल्दी से सोचना है, आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। आप इस ब्रेन बूस्टर से दोस्तों इस सीरीज़ को लाने का मतलब ही ये है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा लीजिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्राचीन समय में पंजाब के निम्नलिखित शहरों में से किसे त्रिगर्त कहा जाता था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, जालंधर, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, द नेक्स्ट इज, रूपिन वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ज़िले में है? दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, दून और सुपरून घाटियाँ कौन से ज़िले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जल्दी से देखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलन में है, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुन्नी खड से, क्लियर। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, मुझे कमेंट करना है कि कुनिहार घाटी कहाँ पर है, क्लियर। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए,
क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन भी पता चलती है। आप कमेंट औरों के ना देखिए बल्कि अपना कमेंट जरूर करें। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्लू घाटी से निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्यास। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? झेलम इसका सही होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चिनाब या चंद्रभागा से उत्पन्न क्या होता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन उल्टा भी बनता है, ठीक है, अपोजिट क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारालाचा। बारालाचा से ही आपकी चिनाब और चंद्रभागा भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और चिनाब या चंद्रभागा से उत्पन्न बारालाचा, ठीक है। तो ये अपोजिट क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को रिलेट करना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, द नेक्स्ट इज पोंग डैम कौन से जिले में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मणिकरण एक गर्म पानी का झरना है, कौन से तट के किनारे स्थित है? जल्दी से सोचिए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्वती। दोस्तों ब्रेन बूस्टर की एक भी सीरीज़ नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गर्म पानी के झरने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल पानी, बाकी तो सभी जगह हैं। क्लियर। यानी कि तत्तापानी, कसौल और वशिष्ठ। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द नेक्स्ट इज महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल लेक नहीं है? जल्दी से सोचिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवॉल्सर लेक। बाकी तो दोस्तों गोविंद सागर झील भी बनाई गई है, पोंग झील भी बनाई गई है और पंडो झील भी बनाई गई है। क्लियर। यानी कि रिवॉल्सर जो लेक है वो कौन सी है? एक प्राकृतिक झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला मंडी में स्थित है? जल्दी से सोचिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारवा। जिला मंडी की बात की गई थी। अब दोस्तों मणिमहेश और आपकी ये दाल सूरजताल, दोस्तों यहाँ पर चंद्रताल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रताल है, ठीक है। मणिमहेश, चंद्रताल और सूरजताल, आपने ये कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ पर है। कुमारवा आपको पता चल गया कि जिला मंडी में है, लेकिन आपने इन चीज़ों के कमेंट करने हैं, मणिमहेश कहाँ पे है कि झील कहाँ पे है, चंद्रताल की झील कहाँ पे है और सूरजताल की झील कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, द नेक्स्ट इज किस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कौल, किरात, यक्ष और नाग जैसे गैर आर्य जनजातियों को आर्यों के आगमन से पहले हिमाचल प्रदेश में बसाया गया? किस धर्म ग्रंथ के अनुसार? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेदा। काफ़ी ज़्यादा पुराना इस ग्रंथ को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर, 40 वर्षों तक चलने वाले आर्यन राजा दिवोदास और शंबर के बीच युद्ध में किसकी हार हुई थी? सही से आंसर देना है आप सभी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरातों की हार हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किरात राजा और आर्यन राजा के बीच लड़े गए 40 साल के युद्ध का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेदा में मिलता है। तो यहां पर नेक्स्ट है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद गजनवी ने किस वर्ष में कांगड़ा किले पर कब्जा किया और उसे लूट लिया? दोस्तों नगरकोट किला और कांगड़ा किला एक ही है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट।
किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए। 1009 ईस्वी में नगर कोट यानी कि ओल्ड कांगड़ा सिटी किसने लूटा? इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? इसका सही आंसर होगा, जल्दी से सोचिए, इसका सही आंसर है भीमपाल, भीलपाल नहीं है, भीमपाल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, द नेक्स्ट इज, किस चमत्कार ने मुगल बादशाह अकबर को सोने के सिक्कों को वापस करने के लिए मजबूर किया जो जामलू से शाही कर के रूप में लिए गए थे? दोस्तों वो कौन सा चमत्कार था जो मुगल बादशाह अकबर को सोने के सिक्कों को वापस करने के लिए मजबूर कर दिया गया जो उसको जामलू से शाही कर के रूप में मिले थे? इसका सही आंसर होगा आगरा शहर में बर्फ, यानी कि कुछ ऐसा चमत्कार, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासकों ने मुगल सम्राट जहांगीर को कांगड़ा किले पर अधिकार करने में मदद की? कौन सा, किस राज्य के शासकों ने मुगल सम्राट जहांगीर को कांगड़ा किले पर अधिकार करने में मदद की? जल्दी से सोचिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नूरपुर, नूरपुर के शासकों ने, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, 1645 में नूरपुर राज्य के किस शासक को शाहजहां ने बल्ख के उज्बेकों को दबाने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत सिंह। दोस्तों नूरपुर के किस शासक को शाहजहां ने बल्ख के उज्बेकों को दबाने के लिए भेजा था? द राइट आंसर इज जगत सिंह, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 19वीं शताब्दी के कई पहाड़ी राज्यों पर हमला करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहाड़ी राज्य शिमला के राजनीतिक परिदृश्य पर गोरखाओं के प्रस्थान और अंग्रेजों के आगमन को कौन सी संधि, कौन सी ट्रीटी बताती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटी ऑफ सगौली। हमने लास्ट के लेक्चर्स में अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया था जितनी भी ट्रीटीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1805 ईस्वी में हमीरपुर के पास कौन से गोरखा कमांडर ने कांगड़ा के शासक संसार चंद को हराया था? जल्दी से सोचिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह थापा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला घोषणा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा, क्लियर। शिमला डिक्लेरेशंस की यहाँ पर बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय ने इन शब्दों में ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का समर्थन किया। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां एक वायसराय स्वयं को कार्यभार से मुक्त रख सकता है। किसके ये शब्द थे? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है सोचने के लिए, अगर थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो भी पॉज कर सकते हैं अगर आप अपने तरीके से क्वेश्चंस को सोचना चाहते हैं तब। यहाँ पर नेक्स्ट है, कांगड़ा कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1840, ठीक है। कांगड़ा कुल्लू और लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के कब्जे में थे 1840, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र पहाड़ी राजा था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य और वित्तीय मदद नहीं दी थी? दोस्तों वो कौन सा राजा था जिसने 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह से कोई भी मदद, फाइनेंशियल हेल्प और सैन्य मदद नहीं की थी? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी राजा ऑफ बुशहर। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 में शिमला के उपायुक्त बुशहर राज्य के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन मुख्य आयुक्त ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे क्या हो सकता था, हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस को रिलेट करना भी आप सीखें कि 1857 की बात की गई, शिमला के उपायुक्त थे, बुशहर राज्य के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे लेकिन उनको ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण जो था वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल्स लीडर प्रताप सिंह, ठीक है, आपको याद रखना है पीपल्स लीडर की यहाँ पर बात की गई है, प्रताप सिंह जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया, किस स्थान पर शहादत उनको प्राप्त हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मशाला। ठीक है, तो प्रताप सिंह थे जिन्होंने पीपल लीडर्स जिनको कहा जाता है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ उठने के लिए उनको प्रेरित किया, उनको मोटिवेट किया, ठीक है, और उनको कहाँ पे वो शहादत प्राप्त हुई थी, धर्मशाला में। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।